नमो नमः मित्राणि, सुस्वागतम सर्वेषां भवताम। आइए प्रारंभ करते हैं किरातार्जुनीयम, महाकवि भारवी विरचितम। ठीक है, तो हम किरातार्जुनीयम के क्रम में तृतीय श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, जो प्रथम सर्ग का है, किरातार्जुनीय महाकाव्य का है और तीसरे नंबर का श्लोक है। हमने इससे पहले पूर्व दो श्लोकों को पढ़ा है। दो श्लोक हमारे संस्कृत विषय अध्ययन नामक YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में विद्यमान है, आप सभी देख सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम तीसरे श्लोक का आनंद लेते हैं। तीसरा श्लोक भी वंशस्थ छंद में ही है और वनेचर के विषय में ही कहा गया है। ठीक है, तो आइए हम इसका उच्चारण करते हैं। सर्वप्रथम द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्यामधिगम्य भूभृतः। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्यामधिगम्य भूभृतः। सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाच माददे। सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाच माददे। तो कहा विनिश्चितार्थाम वाचम आददे। ठीक है, तो इससे पहले जो प्रसंग चल रहा था उसमें जो वनेचर है वह महाराजा युधिष्ठिर के पास उपस्थित हो गया है, उनको वहां की कथा बता रहा है। तो इसमें क्रियापद जो है वाचम आददे क्रियापद है। आददे, आददे कहने का मतलब है कहने लगा, कहा उसने। ठीक है, क्या कहा? वाचम, वाणी को, बात को। आददे है आंग उपसर्ग पूर्वक, दा धातु, आत्मनेपद, लिट लकार, प्रथम पुरुष एकवचन। कहने का मतलब है कहने लगा, भूतकाल के लिए है परोक्ष लिट। और वाचम है वाक धातु, वाक शब्द, वाक वाचो वाचो वाचम, द्वितीय विभक्ति एकवचनम इदम। ठीक है, तो वाचम आददे, वाचम कहा आदते, उस वाणी को किसने कहा? सह, वह, वह कहा वनेचर, उस वनेचर ने उस वाणी को कहा। वो वाणी कैसी है? विनिश्चितार्थाम इति, विनिश्चित अर्थ से युक्त है, जिसमें निश्चित प्रमाण से युक्त, विशेषणों से युक्त है, निश्चित और अर्थों से युक्त वह इस प्रकार की जो वाणी है उस वाणी को उसने कहा। ठीक है, और कैसी है वो वाणी? उसका एक विशेषण और है, सौष्ठव औदार्य विशेषण शालिनी विनिश्चितार्थम वाचम आददे। ये वाचम जो है ना, इस वाचम के ही ये दोनों विशेषण है, विनिश्चितार्थम इति है यहां पर और सौष्ठव औदार्य शालिनी। और वो कैसी वाणी है, कैसी वाचम को उसने बोला? दूसरा विशेषण है सौष्ठव से युक्त, औदार्य से युक्त और विशेष से युक्त है वो। ठीक है, सौष्ठव कहते हैं सुंदरता से युक्त है और औदार्य गंभीरता से युक्त है और विशेष शालिनी एक स्पेशल बात है, विशेष बात है, वो विशेषता से युक्त है। कहने का मतलब है सुंदरता और गंभीरता की विशेषताओं से युक्त विनिश्चित अर्थों वाली उस वाणी को उस वनेचर ने कहा, इस प्रकार इसका अर्थ होगा। ठीक है, और किसको कहा, किससे कहा यह जानते हैं। द्विषां विघाताय विधातुम इच्छतो भूभृतः रहस्यम अनुज्ञाम अधिगम्य। ठीक है, उसने कब कहा? अनुज्ञा को पा करके, आज्ञा को पा करके कहा,
अनुज्ञाम अधिगम्य, अनुज्ञा को अनुज्ञा है यहाँ पर रहसी अनुज्ञाम, यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा क्योंकि यण संधि हुई है, ऐसा है रहसी अनुज्ञाम, ठीक है इस प्रकार है रहसी अनुज्ञाम, रहस्य अनुज्ञाम इस प्रकार यण संधि हो जाएगी। तो रह कहने का मतलब उस अनुज्ञाम अधिगम्य, उस अनुज्ञा को आज्ञा को अधिगम्य माने प्राप्त करके, आज्ञा ले करके, और कहां पर कहा उसने आज्ञा को कहां पर लिया, रहसी रहस्य में जाकर के, कहीं एकांत में जाकर के, राजा से एकांत में जाकर के उस वनेचर ने आज्ञा पा करके उस प्रकार की विशेष वाणी को बोला, ठीक है। और वो राजा कैसे हैं, नहीं वो जो आज्ञा ली उसने अनुज्ञाम अधिगम्य, अनुज्ञा तेन वनेचरेन, अनुज्ञा कुतः गृहीतः, अनुज्ञा को कहां से गृहीत किया, कुतः गृहीता, भूभृतः राजा से, भूभृत कहते हैं राजा को, ये भूभृत शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो भूभृतः अनुज्ञाम अधिगम्य, उस राजा से आज्ञा को लेकर के, अधिगम्य माने प्राप्त करके, कीदृशः भूभृतः इच्छतः, इच्छा करने वाला, इच्छतः भी इच्छत, इच्छन शब्द है क्षत्रिय प्रत्ययांत षष्ठी विभक्ति एक वचन, इच्छतः इच्छा करने वाले से राजा से, अर्थात इच्छा करने वाले राजा से आज्ञा को पा करके उसने रहस्य में जा करके उस प्रकार की इन दो विशेषणों से युक्त जो वाणी है उस प्रकार की वाणी को उसने बोला, ठीक है। और वो जो इच्छा इच्छा करने वाले जो राजा है वो क्या इच्छा करने हैं, विधातुम धातुम धर्तुम इच्छति, कुछ करने वाले हैं वो, कुछ करने की इच्छा करने वाले हैं वो, क्या विघाताय, विघाताय विनाशाय, विनाश करने के विधातुम, विनाश करने के इच्छुक, मतलब शत्रुओं का विनाश करने के इच्छुक, इच्छा करने वाले राजा से आज्ञा को प्राप्त करके। और विघाताय केसाम विघाताय, दुषानाम दुषाम विघाताय, दुषाम शत्रुणाम, ये भी षष्ठी का है, षष्ठी बहुवचन, तो दुषाम शत्रुणाम शत्रुओं के, दुषाम मतलब शत्रुओं के, आप ध्यान से सुने, मतलब कहने का भाव यह है शत्रुओं के विनाश करने के लिए इच्छा करने वाले राजा से आज्ञा को पा करके उसने सह रहस्य, सह अनुचर, उसने रहस्य माने रहस्य में, रहस्य सप्तमी एक वचन का है, उसने रहस्य में जाकर के उस सुंदर और गंभीरता की विशेषता से युक्त विनिश्चित अर्थों वाली उस वाणी को कहा, वाचम आददे, इस प्रकार से इस श्लोक का भावार्थ होगा। कहने का मतलब भाव यही है, जब वो वनिचर युधिष्ठिर के पास आया तो उसने पहले एकांत में गया कहीं, और एकांत में उनने उन युधिष्ठिर से आज्ञा ली, और वो युधिष्ठिर कैसे हैं, शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं, कहा ना दुषाम विघाताय विधातुम इच्छतः, तो मतलब शत्रुओं के विनाश करने वाले हैं, ऐसे राजा से आज्ञा लेकर के, युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर के उस प्रकार की वाणी को, अपनी सुंदर वाणी के द्वारा वहां का दुर्योधन का हाल वह सुनाने लगा। अब आगे की क्या रोचकता है आगे वाले श्लोकों में, उन श्लोकों को वह क्या, उन श्लोकों में ही बताएंगे कि वो क्या कहने लगा, तो उनको हम अगले वाले पाठ में जानेंगे, आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी का धन्यवाद, नमः संस्कृताय।